आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर जाहिर सी बात है लखनऊ से, जहां पर आज उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और तमाम बड़े अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। आज यूपी के सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ, लेकिन उससे पहले लखनऊ पहुंचे, सीएम के एक्शन अवतार में दिखे, जहां उन्होंने स्मृति उपवन की सुरक्षा का जायजा लिया। स्मृति उपवन में ही शपथ ग्रहण समारोह होना है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी जावेद अहमद और एसएसपी से मुलाकात भी की। लखनऊ पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया, उन्होंने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लखनऊ के बाद गोरखपुर के लिए रवाना होंगे योगी आदित्यनाथ और उसके बाद फिर वापस लखनऊ आएंगे। आज से यूपी में योगी राज की शुरुआत और तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। ये तस्वीरें जब आप पहुंचे थे विधायक दल की बैठक के लिए योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद विजयी मुद्रा में निकले थे और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया था। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में पहली बार, देश के सबसे बड़े सूबे में दो डिप्टी सीएम पहली बार सत्ता के केंद्र में होंगे। केशव प्रसाद मौर्य और साथी दिनेश शर्मा आज शपथ ग्रहण स्मृति उपवन में होगा। आज आदित्यनाथ गोरखपुर जा रहे हैं, उनके गोरखपुर पहुंचने से पहले सुरक्षा और वहां पर कड़ी कर दी गई है। गोरखधाम मंदिर से विपिन परमार की इस रिपोर्ट को देखिए। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, कहावत लखनऊ से गोरखपुर जा रहे हैं, उनके गोरखपुर पहुंचने से पहले सुरक्षा और वहां पर कड़ी कर दी गई है। गोरखधाम मंदिर से विपिन परमार की इस रिपोर्ट को देखिए। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, कहावत लखनऊ के लिए है, लेकिन मुस्कुरा गोरखपुर रहा है। उत्साह का माहौल है क्योंकि महंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के। गोरखनाथ मंदिर से नाता है उनका और ये मानकर चला जा रहा है कि गोरखनाथ मंदिर में वो आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचेंगे। इसी को लेकर मुस्तैदी प्रशासन के द्वारा बरत दी गई है, कई जगह से रिजर्व फोर्सेस के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की बटालियंस को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। बैरिगेटिंग गोरखनाथ मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं, और यही उत्साह कल जब नाम का डिक्लेरेशन हुआ था उस समय देखने को मिला। और आप देख सकते हैं रंग गुलाल उड़े, यहां पर आतिशबाजी के साथ साथ ढोल नगाड़ों के साथ जो है उस फैसले का स्वागत किया गया जिसमें योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया गया। गोरखनाथ मंदिर है, अंदर पूरी तैयारी की गई है, बैरिगेटिंग के साथ साथ पुलिस जो है वहां पर चाक चौबंद खड़ी है, क्योंकि ये कयास लग रहे हैं कि शपथ से पहले योगी आदित्यनाथ जो है गोरखनाथ मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन अभी तक ये पुष्टि इस बात की नहीं हो रही है कि योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे या नहीं, या पहले शपथ ग्रहण जो है उत्तर प्रदेश में करेंगे। लेकिन गोरखनाथ मुस्कुरा रहा है, उत्साह में है। योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जो कि अब उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। कैमरा पर्सन गुलशन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। गोरखनाथ का योगी आज उत्तर प्रदेश का राजा है। अगर गोरखनाथ में योगी आदित्यनाथ होते हैं तो ना केवल इंसान बल्कि जानवर भी उनका इंतजार करते हैं। गोरखनाथ मंदिर के गौशाला में हम मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या यह है कि वो सुबह 3 बजे उठते हैं, 4 बजे गोरखनाथ मंदिर की परिक्रमा करते हैं, और उसके बाद सबसे पहला काम जो उनका रहता है वो इन गायों को चारा खिलाना होता है। आप देख सकते हैं आज योगी लखनऊ में शपथ के लिए गए हुए हैं, तो ऐसे में इस गेट पर ये गाय इंतजार कर रही है चारे को लेकर। जो कर्मी अंदर है वो खिलाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन योगी के हाथ से ही पहला जो निवाला है वो खाना है। भोला पाले साहब, महंत साहब मौजूद हैं। भोला जी, क्या कहानी है इसके पीछे? इसके पीछे कहानी है, सर्वप्रथम महाराज दर्शन के बाद गौशाले में आकर के अपने हाथ से चारा खिलाते हैं गौ माता को, और जितने जो है रास्ते में पक्षी चिड़िया बिलार जो भी बच्चे हैं इन सबको जो है खिलाते हुए निकल जाते हैं, फिर मठ में जाते हैं। एक कहानी ये है कि इस पूरे मंदिर में जो भी जानवर हैं, चाहे वो कुत्ते हैं, मछलियां हैं या गाय हैं, वो इंतजार करते हैं। तो क्या क्या हलचल होती है उनमें जब योगी इस मंदिर में घूम रहे होते हैं? क्या उठ के खड़े हो जाते हैं जिस तरह से गाय गेट पर खड़ी है? इसी तरह से जिस तरह से गाय आवाज दे रही है, इसी तरह से पोखरे पर जो बत्तख है वो भी आवाज देते हैं, और जो ये कुत्ता वगैरह हैं ये सारे लोग जो है खड़े होकर के योगी जी का इंतजार करते हैं। उसके द्वारा योगी जी के द्वारा प्रसाद दिया जाता है, उसको लोग ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके आनंदित हो जाते हैं। जी,
तो योगी आदित्यनाथ की क्या दिनचर्या क्या रहती, कितने बजे वो उठ के जो है यहाँ पर आते हैं और क्या? महाराज जी की दिनचर्या है 3 बजे जो है रात में जग जाते हैं, उसके बाद स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद नीचे उतर करके भगवान गोरखनाथ जी का दर्शन करते हैं। मंदिर में जितने छोटे छोटे मंदिर है सबका दर्शन करके फील्ड की तरफ निकलते हैं, सर सफाई का ध्यान देते हुए देखते हुए समाधि स्थल का पूजा करते हुए पोखरे पर जितने बत्तख हैं सबको अपना चारा खिलाते हुए उसके बाद गौशाला में आकर के गौ माता की सेवा करते हैं प्रथम चारा। तो आज खाया इन्होंने कुछ है? अब ऐसे गेट पे इंतजार हो रहा है। खाना तो ये लोग खाए हैं लेकिन अपने जो है मालिक का इंतजार तो कर ही रही हैं, मालिक का इंतजार कर रही हैं क्योंकि मालिक के द्वारा जो है जो होता था वो चीज वो हो रहा है, लेकिन वो चीज अजब की चीजें हैं। बिल्कुल, ना केवल ये गाय बल्कि अब उत्तर प्रदेश के मालिक का इंतजार पूरा गोरखपुर कर रहा है और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ अगर गोरखपुर में होते हैं तो ना केवल इंसान बल्कि जानवर भी उनके इंतजार में यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि ये जो गाय है ये पहला निवाला योगी आदित्यनाथ के हाथ से खाते हैं और आज लखनऊ में शपथ ग्रहण है और उससे पहले कयास यही लग रहे थे कि योगी यहां पर आएंगे तो उसी इंतजार में ये गाय खड़ी है और गोरखपुर के निवासी भी उसी इंतजार में हैं कि कब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर यहां पर आते हैं। कैमरा पर्सन गुलशन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज गोरखपुर। 15 फरवरी 1994 को महंत बने थे मंदिर के योगी आदित्यनाथ और अब आज यानी 19 मार्च 2017 को बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए वो शपथ लेंगे। दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। स्मृति उपवन से अरविंद चतुर्वेदी और गोरखनाथ मंदिर से विपिन परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट आप अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे। सबसे पहले अरविंद का रुख करते हैं। अरविंद, 2007 में स्मृति उपवन को मायावती ने बड़े उम्मीदों से बनवाया था, बड़े उम्मीदों से सजाया था, लेकिन खैर अब काम ये बीजेपी की आ रहा है। तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ तैयारियां वहां पर? देखिए, मैं आपको अपने पहले सबसे पहले मंच की तस्वीर दिखाता हूं। आप हमारे पीछे मंच देख सकते हैं, आपको भगवा नजर आ रहा होगा जी। भगवा के साथ विकास की बात बीजेपी कह रही है और आप देख रहे हैं कि पीछे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार अपने काम में लगे हुए हैं, जिनको मंच सजाने की जिम्मेदारी दी गई है वो मंच की सजावट कर रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ 14 कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 11 अलग अलग मुख्यमंत्री जो हैं अलग अलग प्रदेशों के वो यहाँ पे भाग लेंगे और तकरीबन 40 से ज्यादा मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है, मंत्री बनाए जाने की संभावना है, इस तरह की सूत्रों से जानकारी मिल रही है। आज मैं आपको योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या बताना चाहता हूँ। सुबह 3 बजे योगी आदित्यनाथ उठने के साथ ही उन्होंने पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करने के बाद अपने जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे बातचीत की, बातचीत करने के बाद कुछ लोगों से मुलाकात की जो कि वीवीआईपी गेस्ट हाउस में उनसे मिलने के लिए कल रात से ही इंतजार कर रहे थे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ सीधे स्मृति उपवन आ गए जहां पर उन्होंने जो कार्यक्रम होना है उसकी किस तरीके से तैयारी चल रही है उसका मौका मुआयना किया। और जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी जो गोरखपुर में है वो बता रहे थे कि वहां की गाय, वहां के जो लोग हैं उनको इंतजार है अपने सम्राट का, योगी आदित्यनाथ का, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ यहां से गोरखपुर के लिए निकल चुके हैं और गोरखपुर से आने के बाद सीधे वो यहां पर जो है शपथ ग्रहण समारोह स्थल पे पहुंचेंगे जहां लाखों लाखों लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। उसके अलावा पूरा प्रदेश और पूरा देश इस बात को जानना चाहता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के बाद किस तरीके इंतजार रहेगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्या कुछ आज दिनचर्या अभी तक की रही है योगी आदित्यनाथ की वो आपने जानी अरविंद के जरिए। बहरहाल, अचानक सत्ता के केंद्र में आए योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ अहम जानकारी हम आपको बताते हैं। आदित्यनाथ 2014 में गोरखपुर से लगातार 5वीं बार सांसद चुने गए। वो सबसे पहले 1998 में 12वीं लोकसभा में सांसद बनकर पहुंचे, जब उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। आदित्यनाथ 12वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद थे। इसके बाद उन्होंने 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार जीत दर्ज की। सितंबर 2014 में आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के निधन के बाद वो गोरखपुर मंदिर के महंत यानी पीठाधीश्वर बने। आदित्यनाथ बीजेपी के सांसद होने के साथ साथ हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। हिंदू युवा वाहिनी युवाओं का एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह है। महंत आदित्यनाथ धर्मांतरण के खिलाफ और घर वापसी के लिए भी चर्चा में रहे हैं।
2005 में महंत आदित्यनाथ ने कथित तौर पर 1800 ईसाइयों को हिंदू धर्म में शामिल कराया। 7 सितंबर 2008 को आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। इस हमले में वो बाल बाल बचे थे। ये हमला इतना बड़ा था कि 100 से ज्यादा वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया गया। महंत आदित्यनाथ मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। 5 जून 1972 को गढ़वाल में उनका जन्म हुआ। महंत आदित्यनाथ के बचपन का नाम अजय सिंह था। अजय सिंह से आदित्यनाथ बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बीएससी की पढ़ाई की। महंत आदित्यनाथ का सियासी गणित जगजाहिर है। वो बीजेपी के मौजूदा नरम हिंदुत्व की कसौटी के उलट लेकिन हार्डकोर कैडर के पसंदीदा नेता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और दो सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद चतुर्वेदी और विपिन परमार। विपिन परमार का रुख करेंगे। विपिन, गोरखपुर तो पावर सेंटर अब बन चुका है, योगी आदित्यनाथ निकल भी चुके हैं, वहां पर जानकारी क्या कुछ है आपके पास? कब पहुंचेंगे वहां पर और वहां का क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, तस्वीरों में साफ है राकेश, मैं दिखाना चाहूंगा। अब पुलिस में हलचल तेज हो चुकी है। जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी बता रहे थे कि वो गोरखपुर, क्योंकि उनकी दिनचर्या की शुरुआत गोरखपुर से होती है, लेकिन आज लखनऊ में उठे थे, लेकिन गोरखपुर में वो आएंगे और इसी गोरखनाथ मंदिर में जाकर माथा टेकेंगे, जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे जो इनके इंतजार में है। तो जाहिर सी बात है, गोरखपुर का इंतजार खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री के बनने के बाद जो है योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचने जा रहे हैं। चलिए विपिन, तस्वीरें जरूर जब आप तक पहुंचेंगी तो दर्शकों को दिखाएंगे हम आपके जरिए उन तस्वीरों को, लेकिन फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अरविंद, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन दोनों के पास रुक करेंगे, जब वहां से कुछ नई जानकारी हम तक पहुंचेंगी। फिलहाल वक्त ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।